किसान वीरो सत श्री अकाल, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आपका फार्मिंग लीडर चैनल पे वेलकम करता हूँ। किसान वीरो, आज हम स्पेशली हरविलास जी के पास पहुंचे हैं, उनके बेटा जी भी हमारे साथ हैं। आपके मैंने एक बार पहले भी वीडियो डाली थी, जो हमारा सीमेंट स्टोर करने के लिए जो टैंक होता है, इसकी आपने काफी बार जानकारी मांगी है। इसकी फार्मर को क्या जरूरत है, इसके बारे में आज की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये रहेगा कि किसान को इसका फायदा क्या है, इसका मेन काम क्या है, आप किसानों को इसके बारे में बताएं पहले। तो जो अपना डेयरी फार्म को बढ़िया तरीके से रखने के लिए और नस्ल में सुधार करने के लिए इस कंटेनर का रखना जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि आज गांव के अंदर जो पहले माली जो टाया सांड हुआ करते थे, आज वो नहीं रहे, उनके पीछे कई कारण हैं। अगर हम सांझे कोई रखेगा झोटा या बुल दूसरा बुल रखेगा तो उसके पास AI कराएंगे, कई बीमारियों का खतरा लगा रहता है और कई बुल हमारे से पहुँच से काफ़ी दूर हैं, जहाँ तक हम अपना पशु लेके नहीं जा सकते, इसलिए कंटेनर के अंदर उसका हम सीमर सेफ रूप से लेके आ सकते हैं। तो सर, जैसे फार्मरों की मेरे पास भी सवाल आते रहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, जैसे इसमें गैस होती है, तो उसके बारे में बताएं भी किसान को इसमें कितनी गैस रखनी पड़ेगी जरूरी, और कितने समय बाद इसकी गैस हमें डालनी पड़ती है दोबारा। ये जो छोटे कंटेनर है किसान वही ले सकता है, बड़ा कंटेनर 35 लीटर या 20 लीटर के आसपास का है तो वो किसान नहीं लेता। अगर छोटा कंटेनर है उसके पास 3 लीटर वाला, हर चौथे दिन उसके अंदर गैस डालनी पड़ेगी और गैस खाली कभी नहीं रहना चाहिए। अगर कई बार हम किसी का खाली कंटेनर लेके ऑक्सीमन लेने के लिए जाते हैं, वो भी गलत तरीका है, क्योंकि हमारे को गैस को कंटेनर को ठंडा करने के लिए 3 या 4 दिन लगते हैं। जैसे इसमें गैस भरेंगे, सबसे पहले इसमें 25% गैस भरी जाएगी और 12 घंटे के बाद इसमें 25% और भरी जाएगी, 24 घंटे और निकालने के बाद फिर इसे 75% किया जाएगा, यानी 3 दिन में इसको फुल करना है। ठंडा होने में टाइम लगेगा क्योंकि गैस का जो टेम्परेचर है -196 है और जो सिलेंडर खाली का है वो वातावरण के अनुसार है, जितना भी वातावरण के 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। अगर एकदम हम इसको फुल कराएंगे तो कंटेनर हमारा टूटने का, ब्रेकिंग का डर रहता है इसके अंदर। तो सर, बताएंगे इसमें हम सीमेंट कितनी लाइफ तक रख सकते हैं? इसकी लाइफ है जब तक इसके अंदर गैस खत्म नहीं होने देंगे, चाहे इसको 100 साल रखो, सीमेंट की क्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी जैसे हमने इसके अंदर रखी है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपका ये टैंक है, ये 3 लीटर का टैंक है, तो सर इसका खर्चा कितना आता है किसान को, एक टैंक को मेंटेन करने के लिए, उसको सीमेंट के लिए कितना खर्चा आ जाएगा उसको? अगर हम छोटा कंटेनर रखेंगे, छोटे कंटेनर के अंदर भी डलवाएंगे या बड़े के अंदर डलवाएंगे, जो इसका रेट है 25-30 रुपए लीटर डालते हैं प्राइवेट वाले, सरकारी तो क्योंकि सिस्टम नहीं है डालने का, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो किसानों के पास आके डाले। कुछ एक हैं जैसे बीटा वगैरह दूध उठाती हैं और वो किसान के पास डाल के जाती हैं, उनका सीमन लेना पड़ता है तो इसलिए फ्री डालती हैं। अगर नहीं सीमन लेंगे तो उनका अपना रेट है 20 या 25 जो है वो लेगी। तो सर, बताएंगे एक महीने कितनी कॉस्टिंग पड़ जाती है आपको इस टैंक की? ये बड़ा कंटेनर रखेंगे 30-35 लीटर वाला, उसके अंदर 1000-1200 रुपए की गैस डलती है महीने के अंदर। और इसके अंदर कितने की आ जाती है सर, जो मैं आपका ये साइज का देख पा रहा हूँ, इसका इसका साइज कितना है जी? तो ये 3 लीटर का है, इसके अंदर हर चौथे दिन डालनी पड़ेगी, लीटर या 2 लीटर हर चौथे दिन डालनी पड़ेगी इसके अंदर, यानी महीने के अंदर 10-12-15 लीटर के करीब हो जाएगी ये। 1 लीटर का कितना खर्चा बताया सर आपने? यानी 30 रुपए के आसपास खर्चा आता है 1 लीटर का। इसको तो वही किसान अफोर्ड कर सकता है जो कि 1000 रुपए एक्स्ट्रा अपनी नस्ल सुधार के ऊपर लगा सके। हाँ, वो लगा सकता है अगर किसी के पास कंपोस्टिंग है इसको रखने की। जो भी यहाँ AI वर्कर आपके एरिया के अंदर है, चाहे वो प्राइवेट है और चाहे किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, उसके साथ आप कंप्रोमाइज करो कि मैं आपको गैस के अंदर कीमत दूंगा, आपको सहारा लगाऊंगा इसके अंदर, कुछ आप मेरे साथ चलो और बढ़िया सीमन लेके आओ, मेरा सीमन भी इसके अंदर रखो, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मेरे फार्म पे लगा देना। आप मुझे इसकी गैस दिखाएं खोल के, जो गैस है, जो नाइट्रोजन के बारे में बात की जाती है, मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वीर जी, इसका ढक्कन खोलें आप। तो किसान वीरो, आपका ये इस तरीके की गैस होती है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दोपहर का समय है तो इसमें भी आप आराम से मेजर कर सकते हैं। और इसके अंदर बल्क के अंदर सीमेंट होते हैं, तो
सीमन के ऊपर आपको वीडियो अलग से मिल जाएगी। उम्मीद है किसान वीरो आपको इसकी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि नस्ल सुधार में हमारे फार्मर्स अवेयर हो सकें और हमारा नस्ल सुधार एक नेक्स्ट लेवल तक जा सके और हम अच्छी अच्छी नस्लें देख सकें। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।